हाँ, सो इट्स बीन 3 ईयर्स, आई एम ए बैंकर नाउ, एंड बात करेंगे कि बैंक के बाद में लाइफ कैसी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी बैंक से पहले लाइफ कैसी थी. सो आई रियली मिस दैट गर्ल. एक्चुअली मैं उस लाइफ को बहुत मिस कर रही हूँ जिसमें मैं सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ती रहती थी, और मतलब पूरा रूटीन यही होता था कि आपको आपको होश ही नहीं है कि आप कहाँ हो, आपको पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में है, और इतना ज़्यादा आप पढ़ाई में खो जाते हो उस टाइम पर, और आपको सब कुछ पता होता है, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आपके पास में क्या कुछ नहीं होता, आपके पास में इतनी नॉलेज होती है उस टाइम पर. सो वो टाइम तो मैं बहुत मिस करती हूँ, एंड आई नो, आई एम श्योर कि एक दिन आप भी उस टाइम को बहुत मिस करने वाले हो जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो. जैसे हम सब लोग, मैं अपने आपस में हम फ्रेंड्स अपने स्कोर कार्ड को कंपेयर करते रहते थे, पूछते रहते थे भाई तेरा कितना स्कोर है. बट वी ऑल नो कि उस टाइम पर आप क्या होते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आपकी सिचुएशंस जो होती हैं वो ऐसी नहीं होती, आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हो, यू हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर माइंड कि अभी पता नहीं हम तैयारी तो कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क लेकर चल रहे हैं, पता नहीं एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा. बट ट्रस्ट किया मैंने, और मुझे पता था कि मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकती हूँ. सो बस लगी रही, और फाइनली एक बार एक एग्जामिनेशन नहीं, फिर चार चार एग्जामिनेशन एक साथ क्लियर हुए. तो यही है कि गिव अप नहीं करना होता, लगी रहना होता है. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिन्होंने बीच में गिव अप कर दिया और कुछ चूज कर लिया, ठीक है, वो भी अपने लाइफ में खुश हैं उस सिचुएशंस पे. सो आपको देखो गिव अप तो नहीं करना है अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में. तो नाउ अभी तो मैं बैंकर बन गई हूँ, अभी तो 3 साल हो गए हैं. तो सो देखो बैंक जो है ना वो आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक चेंज कर देता है. अब उसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कैसे भी ले सकते हो. मैं मानती हूँ कि पहले जो मैं थी, मतलब दैट वॉज सो इमेच्योर. अब एक बच्चा जो बहुत ही इमेच्योर है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है स्टार्टिंग में. बैंक में आने के बाद में आई डिड सो मैनी सिली मिस्टेक्स, वो आपसे होती हैं क्योंकि आप एक बिगनर हो, आप उस सिचुएशन में जानते नहीं हो आपको कैसे रिएक्ट करना है. आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, आपको बहुत मतलब आपको आपका पर्सनैलिटी, आपको आपका अपीयरेंस, हर तरीके से आपको ग्रूम होने का मौका मिलता है यहाँ पर. और यू हैव टू डील विथ कस्टमर्स, तो एक लेवल तक आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, वो भी चेंज होती हैं. तो आपको अपने कम्युनिकेशन चेंज करने इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. एंड अबव ऑल सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो है पेशेंस लेवल. मतलब आई यूज टू बी द वन हु इज मतलब हम सब होते हैं ना कि आप जो बचपन में होते हो तो शॉर्ट टेम्पर होते हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो. तो बैंक में आने के बाद तो बेटा तुम बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल सीखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका पेशेंस लेवल ही टेस्ट होता है. इवन बैंकर को आप बाहर पे देखोगे ना, ही विल बी द पोलाइट वन, ठीक है, वो बहुत शांत होगा क्योंकि उसको पता है कि भाई उसको हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. वो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंसेगा ना, किसी भी बड़े लेवल पे जाएगा, तो वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ठीक है. तो मैं अपने आप को मैं मानती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में. आप हो सकता है कि मेंटली भी डिस्टर्ब रहो कि क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत इंस्टेंट चेंजेस होंगे, लेकिन यू हैव टू स्टे काम. धीरे धीरे जब आप काम सीखते जाते हो, जब आपको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है कस्टमर्स को, हर एक चीज़ जब आप सीख जाते हो तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर सब कुछ पेशेंस लेवल पर है, और किसी भी जॉब में जाओगे ना, कहीं भी जाओगे, तो पेशेंस लेवल तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है. तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हुई हैं. बट एक थोड़ा सा है कि यू हैव टू बी टाइम बाउंड, ठीक है, कि आपको पता है किसी भी जॉब में जाओगे कि आपको 8 आवर्स काम करना है. सो यू हैव टू बी टाइम बाउंड हियर, आप कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते हो. एंड यस, छुट्टियां भी मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर घूमने के लिए या फिर ये सब कुछ नहीं मिलेगा. और बैंक ज्वाइन करने से पहले मुझे याद है कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि बैंक घूम नहीं सकता है. अभी जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं इंस्टा पे कि मैम बैंकर के पास में इतना टाइम होता है कि वो घूम सकता है. अरे भाई क्यों नहीं भाई, हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो जा सकते हैं घूमने के लिए. सो हर वो चीज़ करने के लिए आपके पास में टाइम होगा जो आप करना चाहते हो. बट यही है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो. उस टाइम को आप अपने सोशल मीडिया पर वेस्ट कर सकते हो या फिर आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो. इवन बैंक के साथ में आप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. सो ओवरऑल जो है वो बहुत
सही है, अगर आप होपलेस हैं कि आपके पास में कुछ भी नहीं है करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं पसंद है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट या आपको काम करना नहीं पसंद आ रहा है, अगर आपके अंदर इतना कैलिबर है तो आप जाओ ना, आप कुछ और प्रिपेयर करो, आप अपनी जॉब के साथ में किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करो और उसको क्रैक करो। उसके लिए आपको कोई नहीं रोकता, इवन बैंक भी आपको परमिशन देता है कि आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो ओवरऑल दैट इज इट, एंड आई एम हैप्पी विद वट आई हैव बिकम इन दीज 3 ईयर्स, एंड फॉर श्योर कि शायद मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाती तो शायद मेरी इतनी ग्रोथ ना हो पाती। सो दैट इज इट दैट आई हैव अचीव्ड, एंड बस एक थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैं अपने यूट्यूब को इतना टाइम नहीं देती हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ये एक पार्ट रह गया मेरी लाइफ में जो मुझे करना है, अचीव करना है। मैंने अभी तक कभी भी इतना फुली फोकस होकर नहीं दिया है टाइम आपको, बट आई विल डू इट। एंड आपका IBPS PO एग्जामिनेशन तो क्लियर करवाना ही है, आपको भी बैंक PO बनाएंगे, फिर आप आना और मिलना। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।